ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज 8 अक्टूबर का दिन है और आज लगातार मतगणना जारी है और दोनों राज्यों की सभी 90 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में देखा जा रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 4 सीटों पर रुझानों में आगे है। वहीं हरियाणा की अगर बात कर ले तो हरियाणा में कांग्रेस 5 सीटों पर और बीजेपी 7 सीटों पर रुझानों में आगे बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां लगातार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव के नतीजे हैं आज सामने आने वाले हैं और उसी को लेकर जो वोटों की गिनती है वो भी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दोनों राज्यों की सभी 90 सीटों पर लगातार मतगणना जारी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 4 सीटों पर रुझानों में आगे है, वहीं हरियाणा में कांग्रेस 5 और बीजेपी 7 सीटों पर रुझानों में आगे बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार जो मतगणना है वो जारी है और आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है और दोनों राज्यों की सभी 90 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव परिणाम आप सभी के सामने होंगे। आज 8 अक्टूबर का दिन है और अभी से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 2 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे है, वहीं कांग्रेस 4 सीटों पर रुझानों में आगे बताई जा रही है। और साथ ही अगर बात कर ले हरियाणा की तो हरियाणा में कांग्रेस 5 और बीजेपी 7 सीटों पर रुझानों में आगे है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का गठबंधन देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि रुझानों में जिस तरीके से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है। और अगर बात हरियाणा की जाए तो हरियाणा में भी इसी तरीके से अभी शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है और कांग्रेस भी बढ़त के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। और ये जो आंकड़े हैं ये लगातार आप जो रुझान है शुरुआती रुझान है वो भी आप देख रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस 5 सीटों पर और बीजेपी 7 सीटों पर रुझानों में आगे मानी जा रही है और लगातार जो वोटों की गिनती है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मतगणना लगातार जारी है और दोनों राज्यों की सभी 90 सीटों पर मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और आज ये चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से शुरुआती रुझान जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे बात जम्मू कश्मीर की हो फिर चाहे हरियाणा की बात हो, क्योंकि जिस तरीके से स्क्रीन पर आप चुनावी परिणाम के जो रुझान देख रहे हैं जो आंकड़े देख रहे हैं उस पर देखिए हरियाणा में भी बीजेपी के खाते में अभी 16 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है, वहीं कांग्रेस 13 पर है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो साफ तौर पर गठबंधन है वो भी कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी के खाते में भी 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार 90 विधानसभा सीटों के लिए जो शुरुआती मतगणना है उसकी शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान में बीजेपी का पक्ष देखने को मिल रहा है।